तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका फ़ोन में जो प्ले स्टोर है तो आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस पे आपको जाना है। फिर आपको ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस पे जाना है। उसके बाद एक्समी एवरी टाइम इसको सिलेक्ट करना है। फिर ओके करना है। उसके बाद आपको ऑटो अपडेट ऐप्स पर जाना है। फिर आपको इसको डू नॉट अपडेट ऐप्स इसको सिलेक्ट करके रखना है। फिर आपको यहाँ पे ऑटो प्ले वीडियो पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो इसको आपको ओके करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल पर आपको जाना है। और जनरल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑटोमेटिक एचडी वेव्स इसको आपको ऑन रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल प्ले इंस्टेंट इस पर आपको जाना है। और इस पर जाने के बाद आपको यहाँ से इसको ऑफ करके रखना है। फिर आपको यहां से बैक आना है। और बैक आने के बाद आपका फ़ोन में आपको सेटिंग पर जाना है। और सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहां पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाना है। उसके बाद आपको सिम को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहां पे एक्सेस पॉइंट पर नेम पर जाना है। उसके बाद आपको इसको रिसेट करना है। फिर आपको यहाँ से बैक आना है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे यूज़ फोल्ड इसको आपको ऑफ करना है। फिर से इसको ऑन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परफेक्ट नेटवर्क टाइप पर जाना है। और आपको यहाँ पे LTE को सिलेक्ट करके रखना है। फिर आपको यहाँ से बैक आना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एप्लीकेशन को लॉन्ग टाइम पेस्ट करना है। फिर आपको ऐप इन्फो पर जाना है। और ऐप इन्फो पर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डाटा पर जाना है। फिर क्लियर कैश करना है। फिर ओके करना है। फिर क्लियर ऑल डाटा पर जाके डिलीट ऑल डाटा इसको ओके करना है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको अदर्स परमिशन में जाना है। और आपको यहाँ पे शो ऑन लॉक स्क्रीन तक आपको इसको क्लिक करके इसको ऑल वे अलाउ करना है। फिर आपको यहाँ से नोटिफिकेशन पर आपको जाना है। और आपको यहाँ पे शो ऐप आइकॉन बैकेट इस पर आपको ऑन करके रखना है। फिर आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजर्स पर जाना है। और आपको यहाँ पे वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों को आपको यहाँ पे ऑन करके रखना है। फिर आपको प्ले स्टोर में जाना है। और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का आपको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद अगर आपको यहाँ पे अपडेट शो होगा तो आप इसको अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।